हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे अंगूर रखा हुआ है। अंगूर आप लोग सभी को खाए होंगे और किशमिश भी आप लोग सभी को खाए होंगे, लेकिन कभी आप लोग ये जानने का प्रयास किए कि आखिर किशमिश बनता कैसे है? ये सभी को पता रहता है कि अंगूर से ही किशमिश बनता है, लेकिन किशमिश बनने का जो तरीका होता है वो किसी को पता नहीं रहता है। बहुत को पता भी रहता है तो मतलब कि उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं किशमिश ये अंगूर के माध्यम से। यहाँ पे 3 केजी अंगूर है, देखते हैं 3 केजी अंगूर से कितना ज्यादा हम किशमिश निकाल सकते हैं। सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को बताते जाएंगे कि किस प्रकार से किशमिश हम बना रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं ये अंगूर अभी जो वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं इससे हम किशमिश बनाने वाले हैं, और इसका क्वालिटी भी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि जो हम अपने से बनाने वाले हैं कितना बेहतरीन रहता है। अभी जो किशमिश का रेट है वो 350-400 रुपए केजी है, और ये जो हम अंगूर लेके आए हुए हैं ये 100 रुपए केजी है। देखते हैं इसे कितना निकलता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कमाल का ही वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं कि अंगूर से हम किशमिश बना पाते हैं सही तरीका से या नहीं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अंगूर से किशमिश बनाने का फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि आप लोग किशमिश जब भी खाए होंगे तभी ये इसमें जो डंटी लगा हुआ है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता होगा। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट काम वही करना है, इसमें से जितना यहाँ पे इसमें जो डंटी लगा हुआ है सारा को तोड़ के और कुछ इस प्रकार से हमको करना है, मतलब कि डंटी नहीं रहने देना है। उसके बाद अगला स्टेप हम करेंगे, तो सबसे पहले ये जो स्टेप है उसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे 3 केजी इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं ये फर्स्ट स्टेप। किशमिश बनाने का फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जितना इसमें जो अंगूर में डंटी लगा हुआ था सारा का सारा निकाल दिए हैं और इस प्रकार से पूरी तरह से फ्रेश कर दिए हैं। अब सेकेंड स्टेप ये है कि इसको जो है गर्म पानी में तब तक गर्म करना है जब तक ये थोड़ा थोड़ा लाल ना हो जाए, तो वो सेकेंड स्टेप हम करना अभी शुरू करने वाले हैं। इसको जो है थोड़ा सा धो के उसके बाद गर्म पानी में हम इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक ये थोड़ा बहुत ललहुन टाइप का मतलब कि लाल ना हो जाए, उसके बाद अगला प्रोसेस में जाएंगे। तो चलिए ये प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जितना यहाँ पे अंगूर था सारा को हम धो के यहाँ पे बाल्टी में रख दिए हैं और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। अब यहाँ पे गर्म पानी में इसको जब तब तक यहाँ पे रखेंगे जब तक ये जो अंगूर है जो तो हरा हरा दिख रहा है ये थोड़ा सा लाल लाल जब तक नहीं दिखने लगेगा तब तक इसको हमको पानी में रखना है। तो चलिए ये प्रोसेस पूरी से पूरी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्तन थोड़ा सा छोटा है तो हमको 2 बार में करना पड़ेगा। तो चलिए ये काम सबसे पहले करके करते हैं खत्म। तो गाइज अब ये जो अंगूर आप लोग देख रहे हैं और ये जो अंगूर आप लोग देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिल रहा होगा। ये अंगूर जो है वो काफ़ी पूरी तरह से यहाँ पे हरा दिख रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत लाल यहाँ पे देखना स्टार्ट हो चुका है। तो इतना ही हमको गर्म करना था, अब उसको यहाँ से निकालेंगे और यही प्रोसेस से इसको भी गर्म करेंगे इस प्रोसेस में, उसके बाद इसको जो है वो अगला प्रोसेस में लगेंगे। तो चलिए ये काम पहले कर लेते हैं। जितना अंगूर था सारा को हम पानी में उबाल के 3 केजी मतलब आधा यहाँ पे है और आधा ये डोल में है। तो अब ये लास्ट प्रोसेस होने वाला है, इसको जो है धूप में हमको सुखाना है और तब तक इसको सुखाना है जब तक किशमिश नहीं बन जाएगा तब तक। तो चलिए यहाँ पे 3 केजी को अभी हम सुखाने वाले हैं धूप में, पेपर बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम लोग रख देंगे। क्योंकि पेपर इसलिए बिछाएंगे क्योंकि वो जो है थोड़ा बहुत इसमें जो पानी रहेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा वो। तो चलिए पेपर में इसको बिछा लेते हैं और 3 केजी को जो है वो सुखाने वाले हैं, देखेंगे कितना निकलेगा। यहाँ पे इतना है और इतना यहाँ पे है, मतलब कि 3 केजी, देखेंगे लास्ट में कितना निकलता है। तो चलिए इसको धूप में सुखाते हैं। जितना यहाँ पे अंगूर था सारा को अभी हम यहाँ पे सूखने के लिए रख दिए हैं, और कितना टाइम में ये किशमिश बनेगा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जितना टाइम लगेगा अब यहीं पे लास्ट प्रोसेस है किशमिश बनने का। तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे काम हो रहा है धूप में, और इसको अलग अलग करके रखना पड़ेगा नहीं तो एक दूसरे में चिपक जा रहा है। तो सारा को अलग अलग करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा देर के बाद हम अपडेट आप लोग को देते जाएंगे कि कितना किशमिश बन चुका है।
तो चलिए यहाँ पे अभी धूप में इसको सूखने देते हैं। Few moments later, उसे 4 घंटा हो चुका है और ये जो है सूख के थोड़ा थोड़ा किशमिश का आकार ये ले रहा है। हमको लगता है 12 से 24 घंटा इसको पूरी तरह से सुखाना पड़ेगा, तभी ये जो किशमिश दुकान में मिलता है उस प्रकार से बनेगा। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, देख सकते हैं। किशमिश आधा बन के तैयार हो चुका है, अभी हम आप लोग को दिखाते हैं। आज दिन भर जितना धूप उसमें लगना था सारा लग चुका है, अब अगला दिन इसमें और ज्यादा धूप लगाना पड़ेगा तब पूरी तरह से किशमिश बन के तैयार हो जाएगा। अभी कितना बना हुआ है वो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आधा से, मतलब ये आधा लगभग यहाँ पे किशमिश बन चुका है। जो इस प्रकार से किशमिश होता है उस प्रकार से अपना आकार ये ले लिया है, मतलब कि आधा लमसम यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। इसमें और ज़्यादा हमको धूप लगाना पड़ेगा तब जो है दुकान वाला जो आप लोग किशमिश देख रहे होंगे उस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा। अभी आधा अधूरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखने से लग रहा है कि किशमिश 100% है कि बन जाएगा। लास्ट में हम आप लोग को दिखाएंगे, टेस्ट करके भी बताएंगे। और ये ओरिजिनल रहेगा, किसी भी तरह से कुछ भी इसमें मिलावट नहीं रहेगा। तो पूरा हम वेट करते हैं, मतलब कि पूरा इसको बनने देते हैं, उसके बाद हम आप लोग को लास्ट रिजल्ट दिखाएंगे कि किस प्रकार से किशमिश बनके रेडी हुआ है। 75 years later, इस वीडियो में हम लोग अंगूर के माध्यम से किशमिश बना रहे थे और फाइनली तरीका से यहाँ पे किशमिश बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें कितना टाइम लगा है और अच्छा तरीके से बना है नहीं बना है अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं। इसको मतलब कि सुखाने में हमको 2 दिन पूरा टाइम लगा है, मतलब 24 घंटे 48 घंटे इसको हमको सुखाने में लगा हुआ है। और अभी भी हमको लगता है थोड़ा बहुत टाइम लेगा, क्योंकि पूरी तरीके से सूखा नहीं है, आधा से ज़्यादा मतलब कि किशमिश बन के तैयार हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी भी मतलब कि टाइम लेगा। तो हमको वीडियो शूट करना था तो इसलिए हम यहाँ पे शूट कर ले रहे हैं, उसके बाद इसको और भी अच्छे तरीके से इसको हम सुखा देंगे। बाकी इसमें जो 3 kg इसमें हम लोग लाए थे अंगूर, और 3 kg से यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब कि किशमिश निकला हुआ है। और अगर टेस्ट का बात करें तो 1 नंबर टेस्ट है, किसी भी तरह से कुछ भी मिलावट नहीं है। और हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि हम जो है वो अपने तरीके से हम किशमिश बना के तैयार कर दिए हैं। अगर टेस्ट का बात करें तो जो पूरी तरह से जो किशमिश का रूप ले लिया है उसको अगर खाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में आप लोग को बता रहे थे कि अंगूर से किशमिश कैसे बनाया जाता है, सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप हम आप लोग को बताते गए हैं। आप लोग भी अगर बनाना है आप लोग को भी तो आप लोग बना सकते हैं आसानी से, काफ़ी सिंपल सा तरीका होता है। सिर्फ आपको 2 से 3 दिन इसको धूप में सुखाना रहता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा है किसी नए कमाल का नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।